हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एन सी क्लास फोर्थ का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड वन डे एलिस वाज़ लाइंग अंडर द ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी एक दिन की बात है जो एलिस होती है वो पेड़ के नीचे लेटी हुई होती है और अपनी जो बहन होती है उसकी कहानियों को सुन रही होती है सडनली शी सॉ अट रैबिट स्क्रम्बर बाय और एकदम से वो देखती हैं एक सफ़ेद रंग के रैबिट मतलब खरगोश को जो पास से ही जा रहा था ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वियरिंग ब्लू कोट उसकी जो वो रैबिट था उसकी पिंक कलर की आँखें थी और उसने पहना हुआ था एक ब्लू कलर का कोट ही टुक आउट ऑफ वॉच फ्रॉम हिज फेस कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट फिर वो क्या होता है वो जा रहा होता है एक बड़ी सी वॉच लिए हुए और उसने अपने कोट के पॉकेट में से निकाली होती है जो बड़ी सी वॉच और वो कह रहा होता है कि ओ oh डियर मैं लेट हो जाऊँगा मुझे देर हो जाएगी शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रेबिट वो सोचती है कि ये जो रेबिट है ये बहुत ही अलग सा है आई कुड टॉक सॉरी इट कुड टॉक इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड वॉट वो देखती है कि इसने जो है एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ होता है एक घड़ी ली होती है और ये तो बात भी कर सकता है फिर वो कहती है अ वरिंग मतलब एलिस जो होती है वो वंडर्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा और फिर वो बोलती है अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट वाज़ बर्निंग विद क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट तो वो कहती है कि ऐसा भी कभी रैबिट होता है जो ब्लू कलर का कोट पहनता है जो बोलता है तो उसको बड़ी ज्यादा क्यूरसिटी हो रही होती है और वो उस रैबिट का पीछा करने लगती है द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉरवर्ड द रैबिट और जो रैबिट होता है वो भागने लगता है और एलिस उसका पीछा करती जाती है द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल और जो रैबिट होता है वो एकदम से जो एक बहुत ही बड़ा सा रैबिट होल होता है उसके अंदर को चला जाता है एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट्स होल और एलिस जो होती है वो भी उसमें कूद जाती है द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इन टू द रैबिट होल और जो रैबिट होता है वो रैबिट होल के अंदर, अंदर 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 चला जाता है एलिस सेट अलाउड वेयर एम आई और एलिस जोर से बोलती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन और मैं कितनी दूरी तक नीचे गिर चुकी हूँ आई मस्ट बी गेटिंग सम वे नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ फिर उसे लगता है कि मैं बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल सेंटर जो होता है ना अर्थ का अर्थ का बीच का बिंदु जो होता है वहाँ पर पहुँच गई हूँ शी वंडर फिलाई स्लिप ट्रू द अर्थ टू ददर साइड फिर उसको लगता है क्या मैं अर्थ से स्लिप होकर दूसरी तरफ चली जाऊँगी थम्प एलिस लैंडड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स और एकदम से एलिस जो होती है गिर जाती है वहाँ पे पाइल मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना वहाँ पे इकट्ठी हुई होती हैं सूखी हुई पत्तियाँ शी लुकड अराउंड क्वाइटली एंड सडनली सौदा एंड सडनली सौ दाइट रैबिट अगैन और वो चुपचाप इधर उधर देख रही होती है और एकदम से उसकी नज़र पड़ती है सफ़ेद रंग के खरगोश पर जिसका वो पीछा कर रही थी या फिर एक दूसरा वाइट कलर का रैपिड भी हो सकता है इट डिसअपियर सेंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग फिर वो एकदम से गायब हो जाता है ये कह के कि, कि मेरे कान और मेरे विस्कर्स जो उनके मुँचे होते हैं उनको विस्कर्स कहते हैं विस्कर्स क्या हो गया है इनको और मुझे देरी हो रही है ऐसा बोल के वो इधर उधर गायब हो जाता है एल स्टूडअप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट फिफ्टीन इंचज हाई फिर एलिस जो गिर गई होती है पत्तियों पर वो खड़ी होती है और देखती है एक दरवाज़ा जो लगभग पचास सॉरी फिफ्टीन इंचेस ऊंचा होता है इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू वो उसके जाने के लिए बहुत छोटा होता है शी अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन कीज़ ऑन इट फिर वो देखती है एक ग्लास शीशे की टेबल जिस पर गोल्डन कीज़ गोल्डन चाबियां रखी होती हैं शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड और फिर वो जो चाबिया होती है उसको उठाती है डोर में लगाती है और वाह वो डोर तो खुल जाता है एलिस ओपन द डोर एंड लुक इन टू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन फिर वो जैसे ही डोर खोलती है उसको एक गार्डन दिखता है जो बहुत ही सुंदर होता है इतना सुंदर गार्डन एलिस ने कभी भी नहीं देखा होता है हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेंस और फिर उस वो सोचती है कि उसका कितना मन कर रहा था कि ऐसी कोई सुंदर सी जगह देखना जहाँ पर इतने चमकीले फूल हों और इतने ठंडे ठंडे फाउंटेन्स मतलब पानी के फुवारे हों बट शी कु नॉट इवन गेट हर हैड थ्रू द डोर वे मगर वो अपना सर भी उस डोर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी ओह आओ आई विश आई कुड could आई smaller," शी एक्सप्लेन लाउडली और फिर वो कहती है कि काश मैं छोटी हो पाती और वो ये बात बहुत ही जोर से कहती है तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसके